ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये सोहिल का हम लोग देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन है। तो सोहिल जो है बिहार में अलग अलग तरीके का मिलता है। ये जो पूरा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाला यानी पश्चिमी चंपारण वाला जो एरिया है, यहाँ पे पीडमोंट सोइल यानी कि पर्वतीय मिट्टी मिलता है, किनारे किनारे पूरा तराई मिट्टी मिलता है। ये पूरा अलूवियल सोइल का बेल्ट है, जिसमें इधर वाले रीजन में न्यू अलूवियल सोइल मिलता है, ये पूरा नया जो अलूवियल सोइल है वो मिलता है, इधर पुराना अलूवियल सोइल मिलता है। जब साउथ बिहार में हम आ जाए गंगा के नीचे, तो ये जो पूरा धारवाड़ प्लेटू वाला जो रीजन है, तो इधर बलथर मिट्टी आपको मिलेगा, कैमूर रोहतास वाले रीजन में रेड सैंडी सोइल मिलेगा, और ये जो बीच वाला ब्लैक वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा रीजन जो है यहाँ पे करेल केवाल सोइल मिलता है, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा सा डिटेल में हम देखें तो गंगा के दोनों तरफ जो है ना टाल मिट्टी मिलता है, तो इधर इस साइड में यानी कि साउथ साइड में गंगा के साउथ एरिया में, दक्षिण के भाग में इसको टाल सोइल बोलते हैं, जो बक्सर से बांका तक मिलता है, और नॉर्थ एरिया में यही कगारी मिट्टी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ जो ये सिवान गोपालगंज सारण वाला एरिया है, यहाँ पे कैलकेरियस मिट्टी यानी कि थोड़ा सा चूना कंटेंट होता है उसमें, और इसलिए उसको भाट मिट्टी बोलते हैं। और ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, ये पुराना अलूवियल सोइल है, ठीक है, भांगर मिट्टी है, इसको बाल सुंदरी मिट्टी बोलते हैं। तो बाल सुंदरी मिट्टी का एक पूरा बेल्ट यहाँ पे डेवलप होता है, और यहाँ पे ये भाट मिट्टी है, ये कगाड़ी सोइल है, ताल सोइल है, रेड सैंडी सोइल है, बलथर सोइल है, और ये करेल केवाल सोइल है।